हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय जीके रॉय के जी रोडारा। हम इससे पहले के चार वीडियो लेक्चर्स में एक विमीय गति चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं और अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक विमीय गति से संबंधित नमेरिकल्स को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और दूसरी शेष जो आधी दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार का औसत चाल क्या है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी प्रश्न मिले कि पहली आधी दूरी फिर शेष आधी दूरी या पहली एक तिहाई दूरी फिर शेष एक तिहाई दूरी और फिर बाकी का एक तिहाई दूरी, इतना इतना और इतना स्पीड से चल रही है कार या कोई भी वस्तु, तो ऐसी स्थिति में देखना ये चाहिए कि आधी आधी दूरी है तो दूरी को हम लोग 2s या 2d मान लेंगे, एक तिहाई करके है तो 3s मान लेंगे, एक चौथाई करके दूरी तय हो रही है तो 4s मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है कार, तो हम दूरी को 2s मान ले रहे हैं। ठीक है, माना दूरी कुल दूरी बराबर कितना मान ले, माना कि कुल दूरी बराबर 2s, कुल दूरी को हम लोग 2s मान ले रहे हैं और कह रहा है कि आधी दूरी, 2s का आधा कितना हुआ s, अर्थात s दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय कर रही है कार, तो पहले आधी दूरी को तय करने में लगा समय t1 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा वेग बराबर समय, तो s बटा 40 इतना घंटा लगा। दूसरी आधी दूरी जो है उसको तय करने में लगा समय t2 इक्वल टू s बटा दूसरा स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग दे रहे हैं तो इतना हो गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल समय 2s दूरी तय करने में लगा कुल समय कितना है, कुल समय t बराबर कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 और t इक्वल टू s बटा 40 प्लस s बाई 60, यही ना, लस हो गया 120, 40 दिया 120 फिर s हो गया और यहाँ पर 60 गुणे 120 2s हो गया, मतलब 5s बाई 120 कटा दीजिए 5 से, तो 5 गुणे 10 25 24 बार में बढ़ गया, मतलब s बाई 24 टोटल टाइम आ गया। तो अब हम औसत चाल ज्ञात करेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, चाहिए ना, तो कुल दूरी कितना है 2s और कुल समय कितना है, तो कुल समय है s बाई 24, तो 24 ऊपर जाएगा 2s इंटू 24 ऊपर बाई s पर क्या 24 दूरी कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल हो गया कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है,
लेकिन इसमें आधी आधी करके दूरी तय नहीं हो रही, एक तिहाई दूरी पहले तय हो रही है एक स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, दूसरा एक तिहाई दूरी तय किया जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और शेष एक तिहाई दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल दूरी कितना मानना होगा, तो टोटल दूरी यहाँ पर 3s मानना होगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल दूरी, अब दूसरा प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, तो टोटल दूरी कितना हो गया 3s। तो दूसरे प्रश्न में हम मान ले रहे हैं कि कुल दूरी 3s है। ठीक है, तो पहले एक तिहाई दूरी तय करने में लगा हुआ समय, तो एक तिहाई दूरी कितना हो जाएगा, 3s टोटल दूरी है तो उसका एक तिहाई कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो s दूरी तय करने में लगा हुआ समय निकल रहे हैं, तो दूरी बटा 4। तो पहले एक तिहाई दूरी कितना स्पीड से तय किया जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 से भाग दे दिए। इसी तरह से दूसरा एक तिहाई दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, तो s बटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 से भाग दे दिए। तीसरा एक तिहाई दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, तो उसको भी निकाल ले रहे हैं, t3 = कितना हो जाएगा, तो s बटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तीसरा तो 60। तो कुल समय निकाल देंगे, t1 + t2 + t3 निकाल देंगे, तो t = वैल्यू पुट कीजिए, t1 का वैल्यू है s/10, t2 का वैल्यू है s/20, t3 का वैल्यू है s/60, और लॉस ऑफ तीनों का हो जाएगा 60, 10 × 60 सिक्स है, 6s 3s प्लस यहाँ s हो गया, 6 × 3 = 10, 10s/60 कट गया, s/6 बच गया। तो औसत चाल कितना हो जाएगा, औसत चाल t/t कितना हो जाएगा, कुल दूरी 3s बटा कुल समय t, है ना। तो कुल दूरी 3s हो गया और कुल समय हो गया s/6, तो हो जाएगा ये 3s/s/6 गया ऊपर, s कट गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल हुआ, है ना। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल वेग से चल रही है, ठीक है, ब्रेक लगाने पर वह 10 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक स्पीड कितना है कार का, प्रारंभिक स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दे रहे हैं, 30 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, = 36 × 18 = 30, 5/25 25/3 मीटर प्रति सेकंड, है ना। और जब ब्रेक लगाने पर जब गाड़ी रुक जा रही है 10 मीटर चल कर, तो दूरी हो गया कितना 10 मीटर, जब रुक जा रही है तो वेग क्या होगा, 0, है ना। तो बस रुकने में लगे समय की गणना की, तो हमें समय निकालना है t = y, है ना। तो समय निकालना है तो इसके लिए हमें त्वरण भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं आगे, यहाँ पर u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और a निकालना है, पहले a हमको नहीं मालूम है, मतलब कि त्वरण नहीं मालूम है। तो पहली बात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है, मतलब उसका वेग धीरे धीरे घट रहा है, मतलब यहाँ ऋणात्मक त्वरण है, अर्थात गाड़ी में मंदन उत्पन्न हो रहा है ब्रेक लगाने से,
इसलिए सूत्र हम लगाएंगे डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, लेकिन यहाँ मंगल उत्पन्न हो रहा है इसलिए माइनस लिख देना है, माइनस टू ए एस है ना। तो इस सूत्र से हम चलते हैं, तो भी जीरो है, यू 25/3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, माइनस टू ए एस कितना है तो 10 मीटर, तो हो गया ये 10 दूनी 20, तो बाई ओर ले आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 20 है इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 और 3 का स्क्वायर 9 और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 625/9 20 आ जाएगा नीचे 25 और 5 × 5 = 10 25 मतलब 125/4 125/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कि कितना समय में गाड़ी जो है कि नहीं रुक जा रही है, तो भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टी निकालना है, तो हम सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, बी इक्वल टू होता है सूत्र यू प्लस ए टी होता है, लेकिन यहाँ पर मंदन उत्पन्न हो रहा है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का प्रयोग कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह दे रहे हैं, भी जीरो है, यू आया हुआ है 25/3 और माइनस ए ए है ये तो दिया अभी निकाले हुए हैं 125/4 125/4 इंटू टी, हमें टी मालूम करना है यही ना, तो इस टर्म को ये वाला जो टर्म है उसको बाई ओर ले जा रहा है, माइनस में चेंज था प्लस हो जाएगा, मतलब 125/4 इक्वल टू 25/3। ठीक है, तो टी निकालना है तो क्या करेंगे 25/3 गुना 4000 ऊपर और 125 नीचे है ना, 25/5 तो हो जाएगा ये 4/50 है ना, 4/15 सेकंड, 4/15 अर्थात गाड़ी जो है 4/15 सेकंड में रुक जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक कार चौथा क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी से चार गेंदें एक सेकंड के अंतर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, चार गेंदें हैं और स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जा रही हैं एक एक करके एक मीनार की चोटी से। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, यह है मीनार, मान लीजिए मीनार है, मीनार का छत है और यहाँ से एक एक गेंद करके गिराया जा रहा है, चार एक एक सेकंड के अंतर से गिराया जा रहा है, पहली गेंद छोड़ने के 4 सेकंड के बाद पृथ्वी पर पहुंचती है, तो जिस समय गेंद छोड़ा गया होगा उस समय पहली गेंद के लिए 0 होगा वेग, इवन इक्वल टू 0 और 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है, टी इक्वल टू 4 सेकंड है ना, और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर जब छोड़ा जा रहा है किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर तो कौन सा त्वरण काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात ए इज्कल टू जी। ठीक है, चौथा प्रश्न और ये होता है वैल्यू 9.8 m/s² है ना, और इवन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है ना, T1 मतलब कि प्रारंभिक पहले गेंद द्वारा गिरने में लगा समय T1 तो 4 सेकंड है, ए दिया हुआ है ना, और हमें हाइट मालूम करना है, एच मालूम करना है, तो पहला गेंद कितना दूरी नीचे आया H1 हमें मालूम करना है, तो कैसे मालूम करें, फॉर्मूला में
टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और एच मालूम है। वी इजक्वल टू पहले मालूम कर लेते हैं, ई वन इजक्वल टू ई वन प्लस ए वन इंटू टी, पहले के निकलिए तो ई वन इजक्वल टू ई वन प्लस ए वन के जगह पर जी जी टी वन वैल्यू पुट कर देते हैं। ई वन का वैल्यू है जीरो, जी है 9.8 और टी वन है 4, है ना। तो ई वन इजक्वल टू हो गया 9.8 इंटू 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ये गेंद नीचे गिर रहा है ना। अब कितना दूरी तय किया इसने तो उसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, ई वन स्क्वायर इजक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस टू ए वन इंटू एच वन। तो ई वन स्क्वायर इजक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस टू ए वन के जगह पर जी एच वन लिख दे रहे हैं। अब इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वी वन इजक्वल टू आया हुआ है 9.8 इंटू फोर का स्क्वायर इजक्वल टू वी वन है जीरो का स्क्वायर प्लस टू जी है 9.8 इंटू एच वन तो है नहीं मालूम है ना। तो हम लिख सकते हैं 9.8 इंटू फोर स्क्वायर है तो फिर से लिख दे रहे हैं 9.8 इंटू फोर और यहाँ पर नाइन पॉइंट एट इंटू टू 19.6 इंटू एच वन और अब हम एच वन निकाल रहे हैं, एच वन इजक्वल टू 9.8 इंटू फोर इंटू 9.8 इंटू फोर बाई 19.6 9.86 को कटा दे रहे हैं तो दो बार में कट जाएगा 2×4 है ना, 4×8 8×8 4×6 78.4 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। अब ठीक इसी समय दूसरा गेंद कितना देर तक नीचे गिर चुका होगा, पहला गेंद 4 सेकंड तक नीचे गिरा तब जाकर पृथ्वी पर आया, दूसरा गेंद 1 सेकंड के बाद गिराया गया था इसलिए वह इतने समय में मैंने पहला गेंद जब 4 सेकंड चल चुका है उतने समय में दूसरा गेंद 3 सेकंड ही चला है ना। तो टी टू दूसरे गेंद के लिए टी टू इजक्वल टू कितना ले लेते हैं, टी टू इजक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। और इसी तरह से अब एच टू हमको मालूम करना है और जी तो दिया ही हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, ए टू इजक्वल टू जी यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला जैसे हम लोग किए हैं वी इजक्वल टू यू प्लस ए टी उसी तरह से वी टू इजक्वल टू यू टू प्लस ए टू इंटू टी है ना। तो देख लीजिए वी टू इजक्वल टू यू टू प्लस ए टू के जगह पर जी लिखता है जी इंटू टी, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, वी टू इजक्वल टू हो जाएगा कितना, वी टू इजक्वल टू यू टू दिया हुआ है, तो कोई भी गेंद जब प्रारंभ में ऊपर से गिराया जाता है तो उसका वेग कितना होता है, जीरो होता है प्रारंभिक वेग, तो यू टू इजक्वल टू जीरो रख ले रहे हैं प्लस जी टी, तो जी है 9.8 और टी टू 3 सेकंड है तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 3, ठीक है। इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। और अब हम फिर से जैसे इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस टू ए एस का फार्मूला प्रयोग किए हैं तो वैसे ही यहाँ पर हम ई टू स्क्वायर इक्वल टू यू टू स्क्वायर प्लस टू ए के जगह पर जी
एस के जगह पर एस टू लिख दे रहे हैं, तो वी टू स्क्वायर मैंने 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर इजकल टू यू टू जीरो है, जीरो का स्क्वायर प्लस टू जी का फैक्टर 9.8 और एच टू तो मालूम ही कर, तो ये हो जा रहा है 9.8 इंटू 3 स्क्वायर है, इसमें फिर से बता दीजिए 9.8 इंटू 3 इजकल टू 2 इंटू 9.8 एच टू, एक 9.8 से एक 9.8 कट गया, अब बच गया एच टू निकालना है, इसमें एच टू इजकल टू 9.8 इंटू 3 इंटू 3 बाई 2, तो इसको हम कटा दे रहे हैं 4.9 पर में कट जाएगा, और पितरी का 9, 81, 88 36, 44 है ना, तो 44.1 मीटर नीचे जिस समय पहला गेंद पृथ्वी पर पहुंचा है उस समय दूसरा गेंद 44.1 मीटर टावर से नीचे आ चुका है। अब तीसरे गेंद की बात है, तो तीसरा गेंद तो और 2 ही सेकंड नीचे गिरा होगा, है ना, पहला गेंद 4 सेकंड में जिस समय पृथ्वी पर पहुंचा उस समय दूसरा गेंद 3 सेकंड तक नीचे गिरा है और तीसरा गेंद 2 सेकंड तक, तो तीसरे गेंद के लिए हम ले रहे हैं P3 इजकल टू कितना होगा, P3 इजकल टू 2 सेकंड और इसके लिए U3 जब तीसरे गेंद को छोड़ा गया होगा ऊपर से तो उस समय इसका प्रारंभिक वेग जो है कि नहीं जीरो हो गया, और A3 इजकल टू जी ये हम रख रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से जैसे पहले और दूसरे गेंद के लिए हमने किया कि इसको यू प्लस एटी से चलते हैं पहले, तो V3 इजकल टू U3 प्लस GT3, तो V3 इजकल टू कितना हो जाएगा, U3 जीरो प्लस जी 9.8 T3 दो सेकंड हो गया, मतलब 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब फिर से उसी तरह से V² इक्वल टू E² प्लस 2S सूत्र से चलते हैं, तो V²² इक्वल टू U² प्लस 2 E के जगह पर G S के जगह पर H3, ठीक ना, तो अब इस सूत्र को आगे बढ़ाते हैं, V² मैंने 90.6² इक्वल टू U3 स्क्वायर, तो तीसरे गेंद का प्रारंभिक वेग जिस समय टावर से गिराया गया था, मीनार से गिराया गया था, उस समय इसका प्रारंभिक वेग जीरो था और 2G का वैल्यू 9.8 इंटू H3 हमें मालूम ही करना है, इसको H3 दे रहे हैं। अब देखिए इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं H3 का, तो H3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H3 इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 9.8, है ना, 19.6 इंटू 19.6, ठीक है, ऊपर का हो गया इतना बाई 2 इंटू 9.8, तो देखिए 2 इंटू 9.8 19.6 होता है, 19.6 से कट गया और 19.6 बच गया, S3 इस पर कितना बच गया 19.6, तो इसी तरह से तीसरा गेंद जो है वो एक सेकंड ही नीचे गिरा होगा, तीसरे चौथा गेंद 1 सेकंड नीचे गिरा होगा, तो H4 इक्वल टू U4 इंटू T4 प्लस हाफ जी T4 का स्क्वायर करके रहे हैं, तो इस सूत्र से भी आगे हम बढ़ सकते हैं, तो U4 जीरो इंटू T4 कितना हो जाएगा, 1 सेकंड प्लस हाफ जी 9.8 इंटू T4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया, कटा उटा करके आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड, यही ना, तो ये हम जो है वेग मैंने कोई भी गेंद के गिरने जितना समय तक गिरता है तो समय के अंतिम क्षण कितना वेग होगा वो भी हम निकाल दिए हैं, अगर ऐसा पूछता है तो, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं था, हम चारों में
इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, एच वन इज इक्वल टू टी वन, टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर। दूसरा के लिए हम लिख सकते हैं एच टू इज इक्वल टू यू टू टी टू प्लस हाफ जी टू टी टू का स्क्वायर। तीसरा के गेंद के लिए ले सकते हैं एच थ्री इज इक्वल टू यू थ्री टी थ्री प्लस हाफ जी टी थ्री का स्क्वायर। चौथा के लिए लिख सकते हैं एच फोर इज इक्वल टू यू फोर टी फोर प्लस हाफ जी टी फोर का स्क्वायर। ऐसा हम ले सकते हैं और उससे भी सेम रिजल्ट यही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये को भी निकाल दिए क्योंकि किसी क्वेश्चन में अंतिम व्यक्ति पूछ सकता है कि गिरने के अंतिम क्षण में किसी खास वेग का गेंद का किसी खास गेंद के वेग को पूछा जा सकता है, इसलिए हम ऐसा किए। नहीं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। चारों गेंद के लिए एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का प्रयोग करके और हम उनके द्वारा गिरी गई ऊंचाई या गिरी गई दूरी को मालूम कर सकते हैं। अब प्रश्न के में क्या पूछ रहा है कि पहली एवं दूसरी एवं तीसरी तथा तीसरी एवं चौथी गेंदों के बीच की दूरियां क्या है। तो पहली और दूसरी गेंद के बीच की दूरी पहले हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। पहली और दूसरी गेंद के बीच की दूरी, फिर दूसरी और तीसरी गेंद के बीच की दूरी, फिर तीसरी और चौथी गेंद के बीच की दूरी हम मालूम करें। तो सबसे पहले हम पहली और दूसरी गेंद के बीच की दूरी मालूम कर ले रहे हैं। तो देखिए पहली गेंद द्वारा गिरी गई दूरी है एच वन इक्वल टू इतना और दूसरी गेंद द्वारा गिरी गई दूरी है एच टू इक्वल टू इतना। तो एच वन माइनस एच इक्वल टू एच वन था 78.4 मीटर और एच टू है 44.1। तो देख लीजिए कितना अंतर है दोनों में। जब पहला गेंद पृथ्वी पर स्पर्श कर रहा है उस समय पहली और दूसरी गेंदों के बीच की ये दूरी घटाने पर 4 में से गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, इतना मीटर की दूरी है दोनों के बीच में। अब दूसरी तथा तीसरी, तो एच टू में से एच वन एच थ्री को घटा दे रहे हैं। एच टू है 44.1 और एच थ्री आया हुआ है हम लोगों का 19.6, तो घटाने पर आ रहा है 11 में से 6 हो गया 5, 13 में से 9 हो गया 4 और 3 में से 1 गया 2। तो 24.5 मीटर की दूरी है दूसरे और तीसरे गेंद के बीच। और तीसरे और चौथे गेंद के बीच की दूरी हम मालूम कर रहे हैं एच थ्री माइनस एच फोर। एच थ्री आया है 19.6 और एच फोर कितना है 4.9। तो देख लीजिए घटा करके 16 में से 9 हो गया 7, 8 में से 4 गया 4, है ना। और ये एक है तो एक रहने दे रहे हैं। इतना मीटर का दूरी में अंतर है, इतना मीटर का ऊंचाई में अंतर है तीसरे और चौथे गेंदों के बीच में। किस समय? तो जिस समय चौथा गेंद पृथ्वी को स्पर्श कर रहा होता है उस समय। पांचवा नमेरिकल एग्जांपल बोर्ड पर है। एक छाताधारी सैनिक हवाई जहाज से कूदता है, ठीक है। हवाई जहाज से छाताधारी सैनिक कूदता है लेकिन कूदते ही उसका छतरी नहीं खुलता है, तो वह कितने त्वरण से गिरेगा? जितना गुरुत्वीय त्वरण होगा उस गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगा। तो प्रश्न के पहले भाग में हम देख रहे हैं, प्रश्न के पहले भाग में यह सॉल्यूशन यहां से हम बता रहे हैं। प्रश्न के पहले भाग में U इज इक्वल टू जीरो, यू वन इसको लिख रहे हैं पहले भाग में, यू वन बराबर जीरो। और जिस समय वो कूदता है तो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आता है, मतलब कि ए वन इज इक्वल टू जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जब 40 मीटर गिर जाता है नीचे तब जाकर उसका छतरी खुलता है ना।
तो वह कितना नीचे आ रहा है, 40, h1 इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। और जब छतरी खुलता है तो अब वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंगन से गिरता है। पहले अब उसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले भाग को देख लेते हैं कि 40 मीटर गिरने के बाद उसका वेग क्या है, पहले ये देख लेते हैं। v1 इक्वल टू 1, तो और 40 मीटर की दूरी तय किया ही है, तो v² e² + 2a² है ना सूत्र। तो देखिए पहला भाग, प्रश्न के पहला भाग को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए 1 लगा दें और s के जगह पर h1, ठीक है। तो e² = e² + 2a² के जगह पर g लिख दे रहे हैं, gh1। तो v² = कितना हो जाएगा, e² u जो है कि नहीं 0 है, प्लस 2 e² = 0 है, तो g का वैल्यू होता है 9.8 इंटू h1 है, तो h1 कितना मीटर नीचे गिर रहा है, 40 मीटर, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ 40, ठीक है। और v² = 40 दूनी 80 और एक जीरो से इसका दशमलव पहले हम खत्म कर दे रहे हैं, तो 98 हो जाएगा, 98 दूनी 196 गुना 4 बच गया, तो v² = कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 196 गुना 4, अंडर रूट करेंगे तो 196 का अंडर रूट 14, 4 का अंडर रूट 2, मतलब 28 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ये देख लेना चाहिए कि उसे पहले प्रश्न के पहले भाग में 40 मीटर की जो दूरी वो गिरता है नीचे उसमें कितना समय लगता है, तो v = u + at का सूत्र हम अप्लाई कर रहे हैं, v1 = e1 + gt1, ये के जगह पर जी लिख कर लिख दिया गया है। तो v1 कितना है, v1 अभी निकाले हैं और इसका वैल्यू है कितना, v1 = 28 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ 28, e1 जिस समय गिरा है उस समय वेग तो 0 है, जिस समय कूदता है उस समय वेग 0 होता है, g 9.8 × t1, तो ये हो जाएगा t1 = कितना, 28 बटा, ऊपर लिख दे रहे हैं 28 बटा 7 से कटा दे रहे हैं, 14 सत्ते 98, 1.4 बार में कट गया, और इसको 14 28, ठीक है। 2 से कटा दे रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2/0.7 यही ना, और t1 = 20/7 = इतना जो है सेकंड, ठीक है। अब हम प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं, यहाँ से प्रश्न का दूसरा भाग, तो प्रश्न के दूसरे भाग में कहता है कि 40 मीटर गिरने के बाद उसका छतरी खुल जाता है, और छतरी खुलने के बाद उसका जो मंदन है वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो जाता है, मतलब a² = कितना आ जा रहा है, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जा रहा है, तथा पृथ्वी पर 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरता है। अब देखिए पहले 40 मीटर दूरी तय करने के बाद छाताधारी का जो वेग होता है v1 = 28 मीटर प्रति सेकंड, वह प्रश्न के दूसरे भाग के लिए अर्थात जब छतरी खुलता है तब के लिए वह प्रारंभिक वेग हो जाएगा,
मतलब यू टू इज इक्वल टू हो गया 28 मीटर प्रति सेकंड, और जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसका वेग रहता है 3 मीटर प्रति सेकंड का वेग रहता है, तो वी टू इज इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यू टू मालूम हो गया, वी टू मालूम हो गया और ए टू मालूम हो गया, और इससे हम लोग छतरी खुलने के बाद तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं और उस दूरी को तय करने में लगा हुआ समय को मालूम कर सकते हैं। तो हम सूत्र अप्लाई कर रहे हैं, वी टू स्क्वायर इक्वल टू यू टू स्क्वायर प्लस टू जी जी नहीं टू ए टू एच वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस टू ए एस, गति का तीसरा समीकरण है वही अप्लाई कर रहे हैं। तो वी टू स्क्वायर, वी टू तीन है, तीन का स्क्वायर, यू टू स्क्वायर 28 का स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए टू, ए टू है माइनस टू एच, एच टू नहीं मालूम है, तो देखिए तो क्या होगा 9 28 का स्क्वायर तो हो जाएगा 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 दून 16 16 दून 32 36 की 8 हासिल 3 2 दून 4 3 7 784 प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस 4H2 को बाई ओर हम लेके चले आ रहे हैं, प्लस में हो गया 4H2 इक्वल टू 784 माइनस 9 इक्वल टू 775 मीटर हो गया, और H2 इक्वल टू कितना हो गया 775 बाई 4 कितना मीटर हो गया, और लगा हुआ समय कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू U2 प्लस A2 इंटू टी, वी इक्वल टू U प्लस AT का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, V2 तीन है 3 मीटर प्रति सेकंड, U2 28 है प्लस A2 है माइनस टू इंटू टी कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 28 माइनस 2t, तो 2t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 माइनस 3 इक्वल टू 25, और t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाई 2 सेकंड, है ना। तो अब प्रश्न में पूछ रहा है कि जहाज कितनी ऊंचाई पर था, तो कुल ऊंचाई हमको निकालना होगा, तो h इक्वल टू क्या करना है H1 प्लस H2, H1 है 40 और H2 हमारा आया हुआ है कितना 775 बटा 4, तो 775 में 4 से भाग देंगे तो 4 का 4 4 नवा 36 36 12.75 193.75 तो जोड़ देते हैं 233.75 मीटर की ऊंचाई पर था जहाज, और कुल कितना समय लगा, कितना समय तक हवा में रहा, तो टोटल समय निकालने जा रहे हैं टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, टी वन है हम लोगों का 20/7 सेकंड है, 20/7 और T2 कितना है तो 25/2 है, तो हो जाएगा 20 × 40 25 × 175 बाई 7 × 14 तो ये आ जाएगा 215/14 भाग दे रहे हैं 14 × 14 7 × 21 7 × 5 75 14×5 70 5×0 14×42 8×0 14×70 14×84 लगभग इतना सेकंड, तो 15.356 सेकंड तक हवा में रहा,
और इतने समय में वह कितने नीचे गिरा, तो 233.75 मीटर नीचे गिरा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो क्लास को, न्यूमेरिकल क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।